बाबूराव जी को 1000 रुपये दिलवा दिए हैं। तो बाबूराव जी, ये रहा आपका अगला सवाल। माफ कीजिएगा बाबूराव जी, हूटर बज गया। बाकी की गेम हम किसी और एपिसोड में खेलेंगे। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, आज आपका स्वागत है एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय खेल जिसका नाम है क्या बनेगा करोड़पति। तो आज हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है पुणे से आए हुए छात्री श्री बाबूराव पांडे। तालियां। तो बाबूराव जी, पिछले एपिसोड में आप 1000 रुपया जीत चुके थे, पर हम आज आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो क्यों अबे? क्योंकि पिछली बार जब आप खेल रहे थे तब सीज़न का आखिरी एपिसोड चल रहा था, इसलिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ा। तू इस बार भी ऐसे ही सीज़न पूरा कर देगा और आखिरी में तेरा हूटर बच जाएगा। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। अरे पुलिस को मत बुलाइए। चलिए बाबूराव जी, अब हम गेम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो आपका ये सवाल 5000 रुपये के लिए। इन विच ईयर इंडिया गेट फ्रीडम? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो बाबूराव जी, आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन सही होगी? सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। आपके पास अभी भी 3 लाइफलाइन, कॉल अ फ्रेंड, 50-50 और उलट पुलट बची है। एक्सपर्ट की लाइफलाइन आप पिछले सीजन में यूज़ कर चुके हैं। सर, मैं फ्रेंड की लाइफलाइन को लेना चाहता हूँ। कंप्यूटर जी, इस गधे, मेरा मतलब बाबूराव जी के लिए फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। तो आप अपने किस फ्रेंड को कॉल करना चाहते हैं? अबे श्री नागेश नंगा को फोन लगा। हाँ हेलो, स्वागत करो हमारा। हाँ अबे, तू मेरा मौसी का बेटा जो तेरा स्वागत करूँ? हाँ अब सवाल बक। सवाल ये है कि भारत आजाद कब हुआ था? हाँ ये तो बड़ा इजी है, मैंने 5वीं की कक्षा में पढ़ा था, 1947 में। हाँ तो फिर बाबूराव जी, आप अपने दोस्त के साथ जाना चाहेंगे? कहाँ जाना है अबे? मेरा मतलब है कि जो आपके फ्रेंड ने ऑप्शन बताई है आप उसे अंकित करना चाहेंगे? कर दे, जो होगा देखा जाएगा। और ये सही जवाब। तो बाबूराव जी, आप 5000 रुपये जीत चुके हैं, क्या करेंगे आप इतने सारे पैसों का? करूंगा गड्डी नीवी जी करा के भाई, इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे। गड्डी नीवी जी करा के भाई, इंची दे पवा के टायर कम देनी तेरे शहर कम दे। गड्डी नीवी जी करा के भाई।